हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रजनीकांत और आज का टॉपिक लेकर आया हूँ लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का। ओके स्टूडेंट्स, सो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है बायोलॉजी का, 10th क्लास की और काफ़ी कम्पिटिटिव भी। तो चलिए आज का शुरू करते हैं ये टॉपिक। उससे पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस का एक पार्ट है, जिसमें बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या होती है, इसकी बात करते हैं। सो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा मेथड्स है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, लाइक रिप्रोडक्शन, एक्सप्रेशंस, मूवमेंट, न्यूट्रिशंस। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं तो उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव ऑन लिविंग थिंग्स, कि जो प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये या तो जीवित रहते हैं, ठीक है, या इसी को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये सारे जो भी प्रोसेस है। नॉन लिविंग थिंग्स की अगर बात करें, जैसे पत्थर वगैरह हो गया, स्टोन वगैरह हो गया, ठीक है, तो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर नॉन लिविंग के कंपेयर में अगर लिविंग बींग्स की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं जो लाइफ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, मूवमेंट का मतलब होता है चलना, ठीक है, वॉक करना। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें मूवमेंट होती है स्टूडेंट्स, मूवमेंट, ठीक है, चलते हैं वो, अपना न्यूट्रिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, तो प्लांट्स की अगर हम बात करें, अब प्लांट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं यहाँ पे प्लांट्स की जो पार्ट्स मूवमेंट करते हैं कौन कौन से, लीव्स, ठीक है, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रूट एंड शूट। ओके, और यहाँ तक कि इसके फ्रूट वाले जो पार्ट्स होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, ये सारे पार्ट्स जो है मूवमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल्स, एनिमल्स भी मूवमेंट करते हैं, ठीक है, एनिमल्स तेजी से दौड़ भी सकता है, उसी तरह से ह्यूमन बींग्स भी मूवमेंट करता है, चलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रो। सो स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो उनकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है और ग्रो करता है, ठीक है, लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, और भी फिजिकल कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूट्रिशंस, जिसे हम नीड फूड कहते हैं। अब लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें खाने की ज़रूरत होती है, ताकि उनसे एनर्जी मिले उस फूड से एब्जॉर्ब करके, ताकि कोई भी एक्टिविटी कर सके, ठीक है। तो न्यूट्रिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दिस इज द ऑल्सो लाइफ प्रोसेस। नाउ एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स, जो भी न्यूट्रिशन लिया, जो भी फूड्स को इंटेक किया, खाया, ठीक है, उसे डाइजेस्ट किया, ठीक है, और फाइनली क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल जो होता है बॉडी से आउट होता है, इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रेशंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ और फिफ्थ प्रोसेस इज रेस्पिरेशंस। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया। तो रेस्पिरेशन आपके लिविंग थिंग्स में जितने भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जैसे ह्यूमन लंग्स, ठीक है, फेफड़े, उसी तरह से फिशेज हो गए, सारे में होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शन को हम जनन कहते हैं, जिसमें अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, एक नए तरह का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो ये जनरेशंस को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, लाइफ प्रोसेस के ये सारे पार्ट हैं, इन्हीं के बारे में स्टडी हम करेंगे, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स,
बायोलॉजी के अंदर बेसिकली इसमें अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन, तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, ठीक है, या आप कह सकते हैं. और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है, इसका मतलब इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ, इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है. बेसिकली बायोलॉजी हमारा दो कैटेगरीज में, फर्स्ट है हमारा जूलॉजी, ठीक है, एंड सेकेंड इज बॉटनी. जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और बॉटनी प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशंस की बात करेंगे, न्यूट्रिशंस क्या होती है और इसके क्या क्या मोड्स होते हैं, तरीके. तो चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने बात किया लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती है, लिविंग और थिंग्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग. ओके, सो लाइफ प्रोसेस को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं अपनी लाइफ को बनाने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए, सच एज रिप्रोडक्शन, एक्सप्रेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सेट्रा. नाउ न्यूट्रिशन, वेरी बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन जिसे हम पोषण कहते हैं, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इन साइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इन टू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच इज ऑब्जर्व बाई द बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम फूड लिए, ठीक है, फूड को सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने माउथ के अंदर इंटेक करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद इसे ऑब्जर्व किया जाता है और इससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्या पड़ी, न्यूट्रिशन क्यों जरूरत है, वाई नीडेड. तो हम कह सकते हैं इट इज नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते. एंड और भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसे मेंटेन करने के लिए लाइफ प्रोसेस को. चलिए अब हम बात करते हैं इसके, तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूट्रिशंस क्या होती है, ठीक है, और क्या क्या न्यूट्रिशंस के मोड है वो स्टडी करेंगे और इसकी जरूरत क्यों पड़ी न्यूट्रिशंस. तो हमने देखा न्यूट्रिशंस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी आप वर्क कर सके, ठीक है, या और भी बॉडी के पार्ट्स हैं उसे मेंटेन करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशंस. अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस के, जैसे विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो इसकी डिस्कशन करते हैं. ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे पोषक तत्व, जिसे आप कहते हैं ऐसे पोषक तत्व, ऐसे मटेरियल्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिससे हमें न्यूट्रिशंस मिलती है, या आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, वो सारी चीज़ें, तो ये हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज जो फूड हम खाते हैं उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया एंड फैट्स हो गया, तो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट जो होते हैं वसा, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी सोर्स की अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किस किस फूड में होते हैं, ये ज़्यादातर राइस में होते हैं, व्हीट में होते हैं, कॉर्न में होते हैं, चॉकलेट्स. ओके, नाउ प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, सॉरी, प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा फूड का कंपोनेंट्स है. प्रोटीन क्या करता है, जैसे प्रोटीन में क्रिएटिन हो गया, इलास्टिन हो गया और कोलेस्ट्रॉल. विटामिन के अंदर ए हो गया, बी हो गया और ई हो गया बेसिकली, और भी टाइप्स होते हैं, डी विटामिन, ठीक है.
नाउ मिनरल्स की अगर हम बात करें, सो आयरन, कैल्शियम और भी होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में ये मदद करते हैं, ठीक है। प्रोटीन एक बॉडी को बनाता है, ठीक है। विटामिन हो गया, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और मिनरल्स हो गया जो ब्लड ब्लड के अंदर, ठीक है। अब इसमें बॉडी पार्ट्स जैसे बोन्स हो गया आपका, ठीक है, ब्लड हो गया एंड स्किन एंड स्टूडेंट्स, ये हमारा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड कि ये कौन कौन सी मटेरियल्स होती है और उनमें क्या क्या चीज़ें होती है जो हमारे बॉडी को जितने इसेंशियल चीज़ें होती है वो प्रोवाइड करता है ग्रोथ के, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशंस के अब हम यहाँ पे तरीके बताएंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं, कि प्लांट्स के क्या तरीके होते हैं और ह्यूमन बींग के कैसे, ओके। सो बढ़ते हैं आगे, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स की सोर्स की ये कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर होते हैं। तो ऑनियंस, फिश, पोटैटोस, मिल्क एंड बीटरूट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। तो अभी तक हमने देखा लाइफ प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती है, रिप्रोडक्शन, एक्सप्रेशन, रेस्पिरेशन, ग्रो एंड मूवमेंट एंड न्यूट्रिशंस, ठीक है। और हमने बात किया कि न्यूट्रिशंस क्या होती है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स क्या होती है और किस तरह से ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं किस तरह से हमारे बॉडी को बॉडी में काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि न्यूट्रिशंस के क्या क्या तरीके हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशंस के दो तरीके होते हैं, मोड, जिसे आप मोड भी कह सकते हैं या मेथड्स भी कह सकते हैं, मोड या मेथड। फर्स्ट है यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर ले, ठीक है, सेल्फ, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो यही नाम से भी क्लियर हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इसमें प्लांट होते हैं, ठीक है, अपना ये जो फूड होता है न्यूट्रिशन खुद से तैयार कर। सो इट कह सकते हैं इट इज दैट मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड। सेल्फ, ठीक है, हम सेल्फ कह सकते हैं, खुद से जो अपना भोजन को प्रिपेयर करे, तो ये होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल क्या है यहाँ पे, प्लांट, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट बोल सकते हैं आप, ग्रीन प्लांट, ये ऑटोट्रॉफिक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, पर प्लांट क्या होती है, ऑटोट्रॉफ होती है, जो कि अपना भोजन खुद बनाती है, ठीक है। और हेटरोट्रॉफ के बात करें तो हेटरो मतलब अदर्स, दूसरे पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा तरीका, ठीक है, जो दूसरे पे डिपेंड हो, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, क्यों, क्योंकि डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, जितने भी सब्जी वगैरह होते हैं ये सब खाते हैं, एंड एनिमल्स, ठीक है, चिकन, मटन जैसे, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन अदर लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। सो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस और भी इसके बहुत सारे कैटेगरीज हैं, पार्ट्स हैं, तो फिर इसकी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तब तक के लिए आप सभी के थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।